ये नट खुलेगा जिससे भाई टाइट होगा यार। अरे नहीं खुलेगा भाई, अरे टाइट होगा यार। खुलने से क्या होगा, उसको स्पेस मिलेगा, टाइट होगा भाई, टाइट होगा। तो एक काम करो, तुम करो टूल्स का है, टूल्स निकालते। तो अगर राइड की शुरुआत ना कुछ ऐसे झगड़े से हो, मतलब कि बाइक की प्रॉब्लम के साथ शुरू हो ना, तो समझ लो आपकी राइड में चार चांद लगने वाले हैं। तो क्या कर रहे हैं, यूज करें राइड करें, राइड हो। चलो यार जो कर रहे हैं कर रहे हैं, तुम लोग यार एंजॉय करो, करेंगे तभी तो पता चलेगा। सो फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं एक और नए ट्रिप पे, बट इस ट्रिप के बारे में कुछ अभी पता नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, क्या डेस्टिनेशन है, क्या नहीं है, और बाइक पे भी कुछ ज़्यादा खास सामान नहीं है। डीओपी की निराली इधर खड़ी है, खास हमने ज़्यादा सामान लिया नहीं है, पर एक टॉप बॉक्स है, एक बैग है बस। हाँ एक टॉप बॉक्स है, एक बैग है मेरे पास, टैंक बैग है इनके पास, सीधे बैक पैक है। अभी कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बट जहाँ भी जा रहे हैं आप लोगों को कराने वाले हैं फुल मजा, एडवेंचर, फुल एडवेंचर कराने वाले हैं। तो बने रहो ट्रिप के अंदर, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे रात के अंदर। ओके, तो हमने फ्यूल डलवा लिया है, मैंने डलवाया इसके अंदर 930 रुपए का, तुम्हारा कितना डला है? 350। तो अभी अपनी निम्बस कुछ इस तरीके से दिख रही है, टॉप बॉक्स, टैंक बैग ओनली, और फोन लगा है, जीपीएस माउंट तक भी नहीं लगाया, क्योंकि आज हम लोग सोलो राइड नहीं कर रहे, आज हम लोग कर रहे हैं ग्रुप में राइड। हाँ बहुत टाइम हो गया, जाओ आ गए, आ जाओ। पता है इंटरकॉम होने का यही फायदा रहता है, बातचीत करते हुए निकल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, टाइम पास होता रहता है यार। हाँ ये वाली बात है, मौज मस्ती करते हुए निकल, बात करते हुए, हाँ आते करते हुए। सो भाई और बहनों अभी बज रहे हैं 4:39, बोले तो 4:40 हो ही गए, और हम लोग निकल पड़े हैं दिल्ली को छोड़ने के लिए, पर पता नहीं अभी डेस्टिनेशन कहाँ है। बिल्कुल फ्रेश माइंड है, बिल्कुल फ्रेश वाली फीलिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी, और ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, हमने वार्मर्स ले लिए हैं राइडिंग गियर्स के, और लाइट अभी अपनी दो ही चल रही है। मैंने कहा था आके मैं ठीक करा लूँगा, बट आने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, कंटिन्यू बिजी। आपको पता है कैंपर वैन का काम चल रहा है। हाँ पर अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 HJG मेरे पास लगी है और 2 HJG DOP के भी पास है। हाँ कमी नहीं है, लाइट की तो कमी होनी नहीं वाली। हमारे लेफ्ट साइड में सूरज चाचू सोते हुए, और हम लोग आगे बढ़ते हुए इस ट्रैफिक के अंदर, देखो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, लगभग होगी 150 किलोमीटर/आवर की स्पीड ये मेरी 200 है। फिलहाल अभी हम जो जहाँ रुके हैं ये है कौन सी जगह है, ये ISBT आगे भाई। हाँ ISBT, मतलब उससे पहले एक फ्लाईओवर पड़ता है, और लेफ्ट साइड में ना हनुमान जी का एक टेम्पल है जिसकी बहुत मान्यता है, और आज ट्यूसडे वैसे तो इसलिए भीड़ लगी हुई है। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन के नगरी। इन्होंने खोल दी रेड लाइट खोल दी। जय बजरंगबली, चलो बस ये वाला फ्लाईओवर क्रॉस हो जाए ना, तो फिर आगे इतना जाम नहीं मिलने वाला हमें। तो ये खूबसूरत नज़ारे के साथ में सूरज चाची, और राइट साइड में ये है दिल्ली के पहाड़, ऊँचे ऊँचे, वो भी 3 लेयर्स में। बाय द वे ये है कूड़े का ढेर। तो अभी हम लोग उस सर्कल पे पहुंच चुके हैं जहां से हम लोग कनेक्ट होंगे, GT करनाल रोड। ओह बच गई भाई, इसके होंडा सिटी में अभी डंट लगता है आगे वाले की डिग्गी की वजह से। तुम पहुंच गए आगे, ट्रैफिक भाई लेफ्ट ले लिया, ट्रैफिक मिल गया। कितना 4 टेम्पो वाले रुक के लड़ रहे हैं। अच्छा ट्रक के राइट साइड जाना, वैगनर देखना भाई, पूरी रगड़ दी भाई, पूरा सब मेटल मोटल सब ऊपर आ गया। तो यहाँ पे हो गया है एक्सीडेंट। ओ भाई क्या कह रहे हैं, थंबनेल मिल गया हमें। सो फाइनली हम लोग बीच में रुक गए हैं, अभी सिर्फ हमने सोनीपत क्रॉस भी नहीं किया, सोनीपत के अंदर ही है, और टाइम हो गया है 6:46, निकले हुए हमें लगभग हो गए हैं 2.5 घंटा, मतलब 4 बजे हम लोग घर से निकले थे, और पूरा ट्रैफिक थक गए थे, बीच में थोड़ी सी ना टायर्डनेस होने लगी थी, तो सोचा ढाबे पर रुक के चाय की चुस्की लेते हैं। मुझे चेस करना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि हिमालयन का पावर थोड़ा कम है, थोड़ी पावर देनी चाहिए थी, रॉयल एनफील्ड वालों थोड़ी पावर बढ़ा दो। सो यहाँ पे खा पी लिया, अच्छे खासा रेस्ट भी कर लिया है क्योंकि ट्रैफिक की वजह से, और अभी GoPro की बैटरी पता नहीं कैसे डिस्चार्ज होगी, समझ ही नहीं आया, अभी मैंने चार्जिंग पे लगा लिया डेटा केबल लगा के,
क्या हो रहा है आजकल गोप्रो के साथ? ग्लिच बहुत है भैया, बहुत ग्लिच हुआ है। मैं घर पे असेंबल हुई, हमने कुछ फोटोज खींची हैं। हाँ, ट्रैक्टर पे क्या मजा आया ना, बिल्कुल जबरदस्त। ये वाले ट्रैक्टर से गाइस जिसके ऊपर हमने अभी फोटोग्राफ ली, और ये सारी फोटो देखने के लिए कहाँ मिलेंगी? इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो कर लेना वंडरिंग हर्षित और राइडिंग विद पीस। तो अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाओ जाके फॉलो कर लो और ये वाली फोटोग्राफ्स का मजा ले लो। अच्छा, अभी फिलहाल साथ में चल रहा है डीओपी और अपनी लाइट, मतलब अभी 4 HJG लाइट का ये धमाल है आपके आंखों के सामने, और बहुत ही जल्दी ये वाली लाइट आपको मिलेंगी अपने राइडिंग विथ वाले स्टोर के ऊपर, वो भी बजट के अंदर। तो धमाल देख लो आपके सामने है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो हमारी हिमालयन के अंदर क्या क्रूज कंट्रोल है, ये भी आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से 100K करा दो यार, अपना स्टोर लॉन्च हो और उस खुशी में हम लोग करें पार्टी। और क्या, पूरी मौज मस्ती। बेसिकली गाइस अभी नाक मेरी बंद हो गया है, क्योंकि कंटिन्यू राइड करते करते क्या हुआ कि ठंड इतनी बढ़ गई, सीधे नाक में, मुंह में और पता नहीं छाती पे तो बहुत ज़्यादा देर लगने लगी। नाक हो गया बिल्कुल बंद, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, भाग लूँ थोड़ी देर, पकड़ाई खेल लें थोड़ी देर। नहीं, चाय आ गई दोबारा से, इसके लिए हमने पर भाई वो वाला अपनी कांच का तो है पर वो वाला नहीं है, वो छोड़ो इससे नाक तो खुल जाएगी, खुल जाएगी। तो चलो चेस करते हैं, आवाज़ नहीं आई, घंटी बज गई। अच्छा, घंटी। दिल्ली से हम लोग 140 किलोमीटर कवर कर चुके हैं विदिन मत पूछो, बहुत टाइम लगा दिया हमने, क्योंकि 3 आवर्स हमें दिल्ली क्रॉस करने में लग गए मैक्सिमम के 60 किलोमीटर। फिर हमारा हेडेक हो रहा था, फिर हमने डिनर करा, फिर हमें हेडेक हुआ, हेडेक होने के लिए हमने फिर ब्रेक लिया, फिर उसके बाद हमें क्या हुआ, हमें शॉर्ट्स लेने थे, हमने फिर ब्रेक लिया, फिर उसके बाद हमें क्या हुआ, नाक बंद हुई, फिर ब्रेक ले रहे हैं और आगे तो पता नहीं कितने ब्रेक लेंगे। पर भाई बिना ब्रेक के ना मज़ा नहीं आता, तो ब्रेक करेंगे, ब्रेक लेंगे तभी तो कंटेंट शूट करेंगे। ये हमारी ब्रेक वाली राइड हो रही है, तो कंटिन्यू ब्रेक पे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, कंटिन्यू ब्रेक, हाँ, तो ब्रेकिंग न्यूज वाला, अरे इसका टाइटल भी रख देते हैं ब्रेकिंग वाला। एक माउंट लगा दिया है इधर और एक माउंट लगा दिया है हमने इधर, उधर खोला जा रहा है पूरा खजाना, ताकि जगह जगह पे हम लोग माउंटिंग फिक्स कर दें। और हाँ, एक इस तरफ भी माउंटिंग कर दी है, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे नज़ारे देखने के लिए मिले रात में भी, जो हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं ना उसमें भी आपको देखने पे मज़ा आ जाए। एक तो बाल भी पूरे अजीब से हो जाते हैं, देखना पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ओके, तो अपना गोप्रो भी चार्ज हो गया है और अपना फ़ोन भी हमने चार्जिंग पे लगा दिया है, और इसमें मैप भी हमने लगा दिया है ताकि अब रात में दिक्कत ना आए। फिलहाल गूगल माता का तो है ही पंगा हमेशा रात को भटकाने का, तो हम भटकने के लिए पूरा पूरा तैयार हैं। जर्नी जो है वो 204 किलोमीटर की है, लेकिन हमें 204 किलोमीटर नहीं जाना है, हमें उससे पहले ही स्टॉप होना है और आगे से यू टर्न, मतलब 700 मीटर के बाद हमें यू टर्न लेके ना लेफ्ट में जाना है। तो हम लोग आ गए उसी वाले रास्ते पे, अब यहाँ से हमें लगभग 11-32 किलोमीटर, उसके बाद आगे पड़ेगा एक राउंड सर्कल, देन हमें फिर हमें राइट कट लेना है बिलासपुर के लिए। बेसिकली अभी हम लोग ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं, अभी पीछे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था कि अपनी स्पीड को कंट्रोल में चलाएं,
क्योंकि जंगली जानवर कभी भी यहाँ से रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, खासकर बारहसिंगा। अगर बारहसिंगा क्रॉस हुआ और उस बारहसिंगा का एक सिंग भी अपने अंदर घुस गया ना, तो काम चौपट हो जाना है। तो धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। ओ भाई, ये देखो ये रहा, मैंने कहा ना मिलेगा, दिख गया ना आपको। तो अभी हमें और स्लो चलाना पड़ेगा कैसे भी करके। फाइनली वी हैव जस्ट रीच्ड पौंटा साहिब गुरुद्वारा और बाबा के दर्शन करने आए हम लोग यहाँ पे। पहले सबसे पहले देखते हैं पार्किंग किस तरफ है। ओके, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पौंटा साहिब गुरुद्वारा और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी दर्शन करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। अब यहाँ से आगे का वीडियो कंटिन्यू यहीं से ही करेंगे, आगे तक ही नहीं करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, क्या बढ़िया कंटेंट डालते हैं, मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, तो फोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छे अच्छे डाले हैं डीओपी की वजह से, क्योंकि डीओपी साथ में आए तो इतना हाइप बना देते हैं। तो चलो फिर इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आप कीजिए बाबा जी के दर्शन, फिर मिलते हैं यहीं से अगली वीडियो में। टिल देन के लिए बाय बाय, एडवेंचर आने वाला है, एडवेंचर इज कमिंग, पहाड़ शुरू होंगे बढ़िया वाले, यहाँ से पहाड़ शुरू होंगे। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन Goodbye. Drive safe. Bye-bye.